वेलकम बैक, नमस्ते। हमारी प्रीवियस वीडियो में आपके शानदार रिस्पांस के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपके ही मोटिवेशन से आज हम अपना नया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेकर आए हैं। टुडेज आवर टॉपिक इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। ये हमने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है। हमने बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये ग्लूकोज के साथ है, पानी है। अगर आप पानी में ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हो तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे बच्चों, ये प्रैक्टिकली आप घर में कर भी सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने लेमन जूस लिया है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। लेमन जूस भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, दैट मीन्स लेमन जूस इज सॉल्युबल इन वाटर। इस एक्सपेरिमेंट में हमने हर्षिल को दूध में मिक्स किया है और ये भी दूध में मिक्स हो गया है, दैट मीन्स इट इज़ सॉल्युबल इन मिल्क। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में टर्मरिक को पानी में डिसॉल्व किया है और टर्मरिक पानी में सॉल्युबल है। अब हमने सम पीसेज ऑफ पेपर लिए हैं और इनको पानी में डिसॉल्व किया है। पेपर पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, दैट मीन्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सैंड भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, यह भी इनसॉल्युबल होती है। अब हमने पान शरबत को पानी में डिसॉल्व किया है, पान शरबत भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो द सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व्स कम्प्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब बच्चों आपको पता चल गया है डिफरेंस क्या है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में। ये हमने दूध लिया है, मिल्क में हमने रूह अफ़ज़ा डाला है, रूह अफ़ज़ा भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है और दूध में भी। आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो।